जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि थाना नखासा पुलिस व सर्विलांस टीम ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है। दो आरोपियों सोमवीर लोकेश को हसनपुर रोड होली शफा स्कूल के पास से गिरफ्तार किया है तथा इनके दो साथी मौके से फरार हैं, जिनके पास से 14 चोरी की बाइकें, दो कारें, दो अवैध शस्त्र व 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। ये पहले भी चोरी की वारदातों में जेल जा चुके हैं। ये दिल्ली व संभल में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। दोनों आरोपियों पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना नखासा की पुलिस व SOG सर्विलांस की टीम के द्वारा आज एक बड़ा खुलासा करते हुए करीब 14 बाइक बरामद की गई हैं। इसके साथ में 2 फोर व्हीलर, जिसमें एक सेंट्रो और एक होंडा सिटी है, इनको आज बरामद किया गया है। इसके साथ में 2 अभियुक्त, जिनका नाम सोमवीर और लोकेश है, इनको गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के पास से एक एक तमंचा जो अवैध रूप से निर्मित है वो, और उसके साथ में कुल 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर ये गाड़ियां बरामद की गई। इनको लिंक करने की कोशिश की जा रही है कि जो इनके मालिक हैं उन तक ये पहुंचाया जा सके। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। इनके 2 साथी अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। साथ में इन लोगों के विरुद्ध चूँकि प्रकाश में आया है कि इनके द्वारा पहले भी चोरी की घटनाएँ की जा चुकी हैं, तो गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ में इन्हें माननीय न्यायालय भेजा जाएगा। सर, कहाँ से चोरी क्या करते थे? इनकी चोरी की जो अभी तक बाइकों की प्राप्त हुई है वो दिल्ली से कुछ चोरी की गई है और कुछ संभल जिले के अंदर से भी चोरी की गई है। सर, इनके और भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं? इनके आपराधिक रिकॉर्ड निकाला गया अभी हमारे पास। इनके सोमवीर के 4 और लोकेश के 3 मुकदमों की जानकारी मिली है। अन्य मुकदमों की जानकारी की जा रही है।